जब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट और इम परफेक्टली कम्पेटेटिव मार्केट तो फर्म्स का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोपलिस्टिकली दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर प्रोडक्ट्स आर नॉट परफेक्टली सिमिलर आर होमोजीनियस वहां पर देर इज समाइप ऑफ द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन दैट इज बिंग सेल इन द मार्केट

एवरी सेलर हुई इज सेलिंग सीड इन दार्केट वो अपने उस सीड के कुछ ना कुछ करेक्टर स्टेक्स फार्मर को हाईलाइट करता है क्या वर सीड है करेक्टर इस स्टेक्स इसके बड़ी हाई यूल्ड हो जाएगी फिर लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा जो उनको बताएंगे कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सीड दैट इज प्रोड्यूस बाई अ पर्टिकुलर फार्म वो क्या है दैट इज रिलेटिवली बेटर और उसकी बेस पे सेलर कैन चार्ज प्राइस कि जी मेरी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है सो ही कैन चार्ज अ हाई प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द द द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दैट ही अमंग ऑफ बायर्स अब जब आप प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की बात करते हो जो सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है सेलर को सबसे पहले क्या करना है सेलर हैज टू कन्विंस द बायर दैट दैट इज द प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू दोज ऑफर्ड बाय द अदर सेलर्स हाँ जी मैं यूं बात कर लेता हूँ आप, आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मिल्क हैं वो जो ब्रांड्स ऑफ मिल्क आपके पास मार्केट में एग्जिस्ट करता है हर एक ने कुछ ना कुछ उसके आप कह ली सेलियन फीचर्स हाईलाइट किए हुए कोई कहता है वी आर सेलिंग आउट हार्मोन फ्री मिल्क कोई कहता है वी आर सेलिंग मिल्क विदाउट यूजिंग एनी तो इस तरह कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स करते हैं अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट बायर विल डिप सर्टन एफिलिये विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फिर यहाँ पे जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो एडवर्टीजमेंट है वो बड़ा की रोल प्ले करता है कि जी दिस प्रोडक्ट इज है

प्रोडक्ट इज होमोजीनियस हाँ जी वहाँ पे भी परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट में भी क्या था फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आप कहले करेगी और जो आपके पास कॉस्ट कर्व है अगर हम कॉस्ट कर्व्स के रेफरेंस में बात करें तो जो आपकी कॉस्ट कर्व है दीज कॉस्ट कर्व आर यू शेप कॉस्ट कर्व जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की बात करोगे

हम कहते हैं दैट दैट इज इज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट कर लेकिन ये कम, आप कहने कब होता है कि दिस प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू तो एवरेज टोटल तो कॉस्ट तो 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 कर कि वेन फॉर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट और जब आप डिमांड कर्व की बात करोगे फॉर फॉर्म्स आउटपुट दैट ऑपरेट्स एंडस्टिक कम्पिटिशन दट डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर और जब आप परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट में डिमांड फॉर फॉर्म्स आउटपुट की बात की थी हम लोगों ने तो हमने कहा था दैट डिमांड इज आ परफेक्टली लास्टिक डिमांड फॉर फॉर्म्स आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक अब इस चीज को लेबरेट करने के लिए सपोज मैं कहता हूं कि हम यहां पे कोई भी एग्रीकल्चर आउटपुट ले रहे हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम एग्रीकल्चर आउटपुट को शो कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को वर्टिकल एक्सिस पे हम उसकी प्राइसेस को शो कर रहे हैं और यहां पे एक आपके पास कर्व है जो कि आप कह लें इंक्रीज हो रही है था एट अ डिक्रीजिंग रेट जिसको हमने नाम दिया दैट इज द टोटल रेवेन्यू ये टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इट रीच एट अ मैक्सिमम पॉइंट और उसके बाद क्या हो गया

एज लॉन्ग एज मार्जन रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन जीरो और जब आपके पास मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है टोटल तो रेवेन्यू क्या होता है टोटल रेवन्यू दर्म स्टार्ट डिक्रीजिंग अब यहां पर देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू और यहां पर ये यह जो एवरेज रेवेन्यू करव है फर्म आउटपुट इट ऑल्सो डिपिक द डिमांड फॉर फर्म आउटपुट डिमांड फॉर फॉरफॉर्म आउटपुट क्या आउटपुट क्या है दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर और यहां पे हम उसको रेड लाइन से आप कह लें डिनोट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिन रेवेन्यूज इक्वल टू जीरो होगी फिर हमने कुछ ये भी बात की थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट कर कि जो मैंने डिमांड कर ड्रा की है यहां पे इस पे कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व अब अगर मैं बात करूं कि इफ मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो

One, हम कहते हैं कि unit, और अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड द पॉइंट वेयर एब्सोट वैल्यू ऑफ इक्वल टू वन अगर मैं लेफ्ट जाऊं या मैं वाई एक्सिस वाले एंड पे मूव करूं तो एब्सोलुट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो इट इज एब्सोलुट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर प्रोडक्ट इज इलास्टिक हाँ जी इलास्टिक क्या इंडिकेट करता है हमने कहा था कि वन परसेंटेज चेंज इन क्वानिटी डिमांड इज ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट इट इंडिकेट्स डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इलास्टिक और अगर मैं राइट right साइड पे मूव करूं ऑन द डिमांड कर वेर एब्सुलट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन तो वहां पर क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ इलास्टिस एब्सुलट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन वन और अगर ये लेस देन वन हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है कि डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक जी जब हम बात करते हैं फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर मार्केट फर्म अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर वेयर इलास्ट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इलास्टिक जी वो इन इलास्टिक पोर्शन में क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि अगर वो इनइलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व में अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ आउटपुट विल डिक्रीज दी

लेकिन वो अगर इम्परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट में ऑपरेट करेंगे मोनोपलिस्टिक कम्पिटिशन में ऑपरेट करेगी देन उसकी प्राइस क्या होंगे आर हायर देन द दैट इट कैन चार्ज अंडर प्योर कम्पिटिशन लेकिन ये हायर प्राइसिस किस बेस पर वो चार्ज करेगा कि बेटर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट आर ग्रेटर इन्फ्लुंस ऑन प्रोडक्ट प्राइस कि अगर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर अंदाज से डिफ्रेंशिएट कर सके इन मार्केट तो वो सेलर क्या कर सकता है ही कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर इउटपुट चले इस चीज को मैं एंड पे सिर्फ एक बात पे एंड करूंगा कि मैं कहता हूं कि एक मार्केट में देर आर नंबर ऑफ फार्मर्स सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं दे आर प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स देर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स मेरी एजम्पन क्या है कि जो वो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स है प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स दे आर प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हाँ जी वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इट माइट बी पॉसिबल कोई कहे जी आई एम प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल फ्री ऑफ पेस्टिसाइड कोई कह दे फ्री ऑफ इंसेक्टिसाइड कोई हाईलाइट करे कि माई साइज ऑफ द वेजिटेबल इज गुड एज कंपेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट के जो भी प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल है ही इज हाईलाइटिंग सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट दैट ही इज सेलिंग इन मार्केट और उसकी बेस पे वो क्या कर रहे हैं ही इज चार्जिंग ही कैन चार्ज अ डिफर फॉर इट्स आउटपुट लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे वेजिटेबल की केस की एग्जाम्पल ली है यहाँ पे हमने एजम्प्शन क्या ली है कि वेजिटेबल दैट इज प्रोड्यूसड बाई डिफरेंट फार्मर्स हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिकेट आर बींग प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर